जनपद संभल के हॉटस्पॉट इलाकों में पहुंचे नोडल अधिकारी। हॉटस्पॉट इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत कर बढ़ाया उनका मनोबल। देखी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव वाले जिलों में वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर भेजा गया है। संभल में पूना के 15 पॉजिटिव मामलों पर नज़र रखने के लिए मुरादाबाद के कमिश्नर वीरेंद्र कुमार सिंह और IGPAC अमित चंद्रा नोडल अधिकारी बनकर संभल पहुंचने के बाद आज संभल शहर में बनाए गए 3 हॉटस्पॉट इलाकों में पहुंचे। नोडल अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह और IG अमित चंद्रा दीपक राय हॉटस्पॉट इलाका और नई सराय हॉटस्पॉट इलाके में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पहुंचे। नोडल अधिकारियों ने हॉटस्पॉट इलाकों में पहुंचकर स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई हॉटस्पॉट इलाकों की व्यवस्थाएं देखीं। नोडल अधिकारियों ने रमजान माह होने के कारण हॉटस्पॉट इलाके में डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था को भी देखा। इसी के साथ दोनों नोडल अधिकारियों ने खासतौर पर हॉटस्पॉट इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों में से भी बातचीत की और हॉटस्पॉट इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों से फ्रेंकली बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। इसके बाद दोनों नोडल अधिकारी संभल सदर कोतवाली में पहुंचे, जहां नोडल अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक भी की। हॉटस्पॉट इलाकों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद नोडल अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हॉटस्पॉट इलाकों में डोर स्टेप डिलीवरी, साफ सफाई और दवाइयों की सप्लाई को लेकर विशेष ध्यान देते हुए व्यवस्थाएं देखी हैं। इसके अलावा हॉटस्पॉट इलाके के लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी इन इलाकों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया गया है। सर, हॉटस्पॉट इलाके में जैसे आप यहाँ घूम रहे हैं, आप पुलिस से हौसला अफजाई की है सर, और क्या अपील कर रहे हैं जनता से? देखिए, जनता का इसमें सर्वाधिक सहयोग है और ये जो विशेष रूप से प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, डोर स्टेप डिलीवरी है, सफाई का इंतजाम है, दवा का इंतजाम है, इन चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है कि किसी तरह की असुविधा भी लोगों को न हो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हॉट स्पॉट में ज़्यादा प्रतिबंध रहते हैं, ज़्यादा सख्ती रहती है। इन चीज़ों की समीक्षा की गई है और पुलिसकर्मी भी लगातार इन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, इसी को देखा जा रहा है।